The civilized Indian. और पूरे देश से लोगों का स्वागत है दिल्ली के अंदर और देश सब लोग हरियाणा से आए, उत्तर प्रदेश से आए, सबका इलाज करा के भेजेंगे। उनको 4,000 यूनिट बिजली फ्री मिलती है महीने की, और मैं जनता को 200 यूनिट फ्री बिजली देता हूं, तो इनको सबको तकलीफ होती है। अगर दो बार अमित शाह जी की मीटिंग से किसी शहर में कोरोना खत्म होता हो तो उनको तो एक राउंड लगवा दो पूरे देश का, ओमिक्रॉन भी खत्म हो जाएगा। पहली बार ऐसा हो रहा है कि नेता विदेश नहीं जा रहे, टीचर विदेश जा रहे हैं। जो जो सहूलियत मंत्रियों को फ्री में मिलती है, मैं अपने लोगों को भी फ्री में दूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को उस महापुरुष की बात अब समझ आ गई होगी, और अब आप भी गोदी मीडिया की डिबेट्स ना के बराबर ही देख रहे होंगे। बट स्टिल पीपल आर वॉचिंग देम, और हमारी मीडिया जो काम कर रही है वो ये रैंक दर्शाता है कि हमारी मीडिया क्या काम कर रही है। मैं तुम्हें भड़वा कहता हूं, दलाल कहता हूं, और बताओ। वरुण ग्रोवर ने जो बात कही थी कि मीडिया आज माचिस भी लाया है, बारूद भी लाया है, फिर धमाका करके शूट करके जनता को दिखाता भी है कि देखो ये क्या हो रहा है, वो आज जमीनी स्तर पर दिख रहा है। जगह जगह सांप्रदायिक दंगे, और जिस तरीके से माइंड्स को कम्युनलाइज किया गया है, सब हमारी गोदी मीडिया में का नतीजा है। हमारी गोदी मीडिया जो सत्ता की गुलामी में दिन रात लीन रहती है, क्या हुआ जब उनका सामना केजरीवाल से हुआ, आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में। कई मॉडल स्कूल्स आपने बनाए, स्कूल्स के अंदर लाइब्रेरीज, क्लासरूम्स की व्यवस्था आपने की। एक बीच में कंट्रोवर्सी हुई थी जब आपने टीचरों को विदेश भेजा था, तब लोगों ने कहा कि क्या हिंदुस्तान के टीचर्स को, सरकारी स्कूलों के टीचरों को सीखने के लिए विदेश जाना पड़ेगा, ये फिजूल खर्ची है, केवल लोगों को दिखाने के लिए शोशेबाजी की आपने। पहली बार ऐसा हो रहा है कि नेता विदेश नहीं जा रहे, टीचर विदेश जा रहे हैं। इसको ताली बजने चाहिए। आपको जान के ताजा होगा, पिछले 5 साल में मैं शायद 2 बार विदेश गया हूँ बस। कभी ऐसा होता है? नहीं तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तो विदेशों में ही बैठे रहते हैं। दिल्ली के स्कूल अच्छे हुए नहीं हुए? हाथ खड़े करके बता दो जरा से, ये कैमरे वाले दिखा दो भाई। अब ये बता दो, दिल्ली के सरकारी अस्पताल अच्छे हुए नहीं हुए? जनता मालिक है कि दिल्ली सरकार के सारे अस्पतालों में, 35 अस्पताल है हमारे, सारे अस्पतालों में, सारे मोहल्ला क्लिनिक में, सारे पॉली क्लिनिक में सारा इलाज मुफ्त कर दिया, चाहे दवाइयाँ हो, चाहे टेस्ट हो, चाहे ऑपरेशन हो, चाहे सर्जरी हो, सब कुछ मुफ्त कर दिया। अब कोई बच गया हो तो हाथ खड़ा कर दो। उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना लागू है, इलाज कराने वो सारे दिल्ली आते हैं। हरियाणा में आयुष्मान भारत योजना लागू है, इलाज कराने सारे दिल्ली आते हैं। नहीं नहीं, बाहरी लोग आते हैं, लेकिन आप उस पर भी आपको तकलीफ तो होती है कि बाहर के लोग नहीं आने चाहिए। दिल्ली देश का दिल है, आपको तकलीफ तो काफी होती है। यूपी बिहार से लोग आते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, इनके लिए नो एंट्री होनी चाहिए। दिल्ली देश का दिल है, और पूरे देश से लोगों का स्वागत है दिल्ली के अंदर। और देश सब लोग हरियाणा से आए, उत्तर प्रदेश से आए, सबका इलाज करा के भेजेंगे। क्या सोचकर आप ये घोषणाएं करते हैं, ये जो मुफ्त की पॉलिटिक्स जिसको लोग कहते हैं? इसमें दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो अगर मैं हमारे देश के बच्चों को अच्छी शिक्षा मुफ्त में देता हूँ, मुझे नहीं लगता इससे बड़ा राष्ट्र निर्माण का कोई काम हो सकता। तुम्हारे घर में कोई भी बीमार हो, चिंता ना करना, तुम्हारी सरकार है और तुम्हारा सारा इलाज मुफ्त कराऊंगा। मुझे नहीं लगता इससे बड़ा राष्ट्र निर्माण का और सेवा का काम कोई हो सकता। अब मेरे को ये बताइए, ये जितने मंत्री मुख्यमंत्री घूमते हैं, जितने बड़े बड़े लोग, आप तो ज़्यादा मिलते होंगे इन लोगों से, इनमें इनके सबके घर की बिजली फ्री है? 4,000 यूनिट महीना बिजली फ्री, एक एक मंत्री की 4,000 यूनिट बिजली मुफ्त होती है एक महीने में। तो अगर मैंने कह दिया कि मेरे लोगों को मैं 200-300 यूनिट बिजली मुफ्त दूंगा, तो बताओ क्या गुनाह कर दिया मैंने? सारे मेरे ऊपर चढ़ के पड़ रहे हैं, पूरे सारी पार्टियाँ मेरे को गालियाँ दे रही हैं, सारे पत्रकार मेरे को गालियाँ दे रहे हैं कि केजरीवाल मुफ्त क्यों देता है। जो जो सहूलियत मंत्रियों को फ्री में मिलती है, मैं अपने लोगों को भी फ्री में दूंगा। हर आम आदमी को खास आदमी बनाऊंगा मैं इस देश का। जो जो चीज़ें इन मंत्रियों को और इन संतरियों को मिलती है, मैं अपने लोगों को देना चाहता हूँ। नंबर एक, फ्री पेट्रोल भी दिलवा दीजिए। हाँ, फ्री पेट्रोल भी दिलवा दीजिए, सबको चाहिए। एमएलएस को भी मिलती है। दूसरी चीज़, अगर मैं, एक समय था जब मैंने सुना था कि राजनीति के अंदर एक समय था जब फ्री बांटते थे, और फ्री बांटने का पैसा कहाँ से आता था? सरकार लोन लेती थी और लोन लेके उस पैसे से फ्री बांटते थे। दैट इज़ नॉट गुड इकोनॉमिक्स। अगर मैं आपके पास जो पैसा है उस पैसे से, उसमें आपके टैक्स नहीं बढ़ा रहा, टैक्स उतना ही है, मैं घाटे में नहीं। आज दिल्ली सरकार पूरे देश में अकेली सरकार है जो फायदे में चल रही है, घाटे में नहीं चल रही। CAG की रिपोर्ट है 2019 की, उस रिपोर्ट में लिखा है हमारी सरकार बनने के पहले दिल्ली में, दिल्ली सरकार घाटे में चलती थी। हमारी सरकार बनने से तब से लेके आज तक दिल्ली सरकार अकेली सरकार है पूरे देश के अंदर जो फायदे में चल रही है। मैं सरकार फायदे में चला रहा हूँ, मैं कोई नया टैक्स नहीं लगा रहा। जैसे
ये फ्री दवाइयों वाला कैसे सिलसिला चालू हुआ ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. हमने एक फ्लाईओवर बनवाया, उस फ्लाईओवर की 325 करोड़ रुपए की एस्टिमेटेड कॉस्ट थी, वो शायद 200-250 करोड़ रुपए में बन गया, तो 125-150 करोड़ रुपए उसमें बच गए. कैबिनेट मीटिंग चल रही थी, हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो पता चला कि ये 125-150 करोड़ रुपए बच गए. सो मैंने उनसे पूछा, हेल्थ मिनिस्टर से, मैंने कहा मान लो हम दिल्ली के लोगों की सारी दवाइयाँ फ्री करना चाहें, हम ये डिस्कस कर रहे थे इस पैसे को कहाँ इस्तेमाल करें, तो मैंने कहा अगर हम सबका इलाज फ्री करना चाहें तो कितना खर्चा आएगा. सो आफ्टर 2-3 डेज दे गॉट बैक टू मी, दे सेड 300-350 करोड़. सो मैंने कहा ठीक है, इतना तो हम फ्लाईओवर बनाने में ही बचा लेंगे इतना का पैसा, तो अगर मैंने फ्लाईओवर बचा बचा के लोगों का इलाज फ्री कर दिया तो क्या बुराई है. केजरीवाल जी, आप दिल्ली मॉडल की हर जगह पे बात करते हैं. दिल्ली मॉडल को हमने कोरोना के टाइम पे स्वास्थ्य के मामले में देखा, पूरा ध्वस्त हो गया था. मुझे लगता है आपका क्वेश्चन बायस्ड है. पूरे देश के अंदर जो हमने जिस तरह से कोरोना को संभाला है, पूरे देश ने, दिल्ली के अंदर भी, मैं सड़क पे भी जाता हूँ, इधर उधर जाता हूँ, सब कहते हैं कि सर कोरोना को आपने बड़ा अच्छा संभाला, कोरोना को आपने बड़ा अच्छा संभाला. नंबर एक. नंबर दो, आपने कहा कि दिल्ली मॉडल ध्वस्त हो गया था. इतनी बड़ी महामारी थी, पूरी दुनिया ध्वस्त हो गई थी, अमेरिका ध्वस्त हो गया था, लंदन ध्वस्त हो गया था, सारे यूरोपियन कंट्रीज ध्वस्त हो गए थे. ये इतनी बड़ी महामारी थी कि कोई भी शहर का, कोई भी स्टेट का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एक नॉर्मल सर्कमस्टांसिस के लिए बनाया जाता है. ये एज्यूम किया जाता है कि इतने के ऊपर इतने बेड होने चाहिए, इतनी जनसंख्या पे इतने बेड होने चाहिए, इतना ही होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए. जब इतने बड़े स्तर के ऊपर ऑक्सीजन की डिमांड हो, उसके लिए तो कोई भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना होता ना, तो वो तो सारे के सारे, उस वक्त हमने किस तरह से उसको संभाला ये ज़रूरी है, ना कि ये आरोप लगाना कि ध्वस्त. ध्वस्त तो फिर गुजरात भी हो गया था, यूपी भी हो गया था, पूरा देश ही ध्वस्त हो गया था. एक मिनट, लेट मी जस्ट कंप्लीट. पूरा देश ही ध्वस्त हो गया था, नंबर एक. नंबर दो, जो श्रेय आप केंद्र सरकार को देना चाह रही हैं कि केंद्र के इंटरवेंशन के बाद संभला, तो केंद्र अपने राज्य संभाल लेता. गुजरात का तो बहुत बुरा हाल था, उत्तर प्रदेश का तो बहुत बुरा हाल था. अमित शाह जी 2 बार आए थे दिल्ली मीटिंग लेने के लिए, राजनीति करने के लिए. अगर 2 बार अमित शाह जी की मीटिंग से किसी शहर में कोरोना खत्म होता हो, तो उनको तो एक राउंड लगवा दो, पूरे देश का ओमिक्रॉन भी खत्म हो जाएगा. केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन पे गंदी राजनीति की थी. अब मैं कह सकता हूं, उस टाइम मैं राजनीति करना नहीं चाहता था. केंद्र ने ऑक्सीजन पे गंदी राजनीति की थी, उनका मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा खराब था. कैसे खराब था? मेरा अपना मानना है, जो मेरे पास फिगर्स आते थे, कि देश में ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, सफिशिएंट प्रोडक्शन हो रहा था, मैनेजमेंट खराब था. अब दिल्ली में ऑक्सीजन बनती नहीं है, उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन बनती है, राजस्थान में ऑक्सीजन बनती है, हरियाणा में ऑक्सीजन बनती है. अब हरियाणा में जो ऑक्सीजन बनती है, तो केंद्र सरकार ने पूरे देश की ऑक्सीजन अपने कंट्रोल में कर ली कि अब जितनी ऑक्सीजन होगी हम एलोकेट करेंगे. उत्तर प्रदेश में जो ऑक्सीजन बनती है वो उत्तर प्रदेश को यूज़ करने के लिए देनी चाहिए थी, हरियाणा की हरियाणा को. उन्होंने क्या उत्तर प्रदेश की ऑक्सीजन अलॉट कर दी तमिलनाडु को, तमिलनाडु की ऑक्सीजन अलॉट कर दी वेस्ट बंगाल को, वेस्ट बंगाल की ऑक्सीजन अलॉट कर दी राजस्थान. इतना गड़बड़ मैनेजमेंट सिस्टम था, और उसकी वजह से दिल्ली को ऑक्सीजन की कमी हो गई, बहुत ज़्यादा कमी हो गई. 3-4 रातें ऐसी थी मैं सोया नहीं था. इट वॉज इमोशनली वेरी डिस्ट्रेसिंग फॉर अस. पूरा पूरा रात मैं फ़ोन कॉल अटेंड करता था, किसी को बेड चाहिए, किसी को ऑक्सीजन चाहिए, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी हो गई. फिर हम कोर्ट गए, हम गए थे कोर्ट ऑक्सीजन मांगने के लिए, तब कोर्ट के इंटरवेंशन से ऑक्सीजन मिली थी. कई लोग आरोप लगाते हैं केजरीवाल तो बस कह देता था ऑक्सीजन दे दो, ऑक्सीजन दे दो. हाँ, हम अगर चिल्लाते नहीं, हम कोर्ट नहीं जाते, तो दिल्ली वालों को ऑक्सीजन नहीं मिलनी थी. इन मामलों को दबाया क्यों था? क्यों आपने देश की जनता के साथ धोखा किया? प्रश्न ये होना चाहिए, मोदी क्या क्या. मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता. हाँ ठीक है, तो ये तो मोदी जी की यही खासियत है.